यार अब मेरे खामे को जुबान दे, मन का रे हजार दास्तां दे, हर चंद सुना जबां में सुखन को। हमजा चाचा फिर क्या हुआ? बच्चे क्या होना था, वक्त ने जैनुल मुलूक के साथ एक अजीब खेल खेला। कहते हैं ना, वक्त एक ऐसी शय है जिसका कोई काबिज नहीं। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल भी नहीं होगा। वजीर आजम, आपकी राय में शहजादे की परवरिश के लिए कौन सा मुकाम मुनासिब रहेगा? मेरे ख्याल में शहरे इसार का मुकाम मुनासिब होगा। मगर आलीजा, शहरे इसार पर तो हमारे दुश्मनों की नजरें लगी हुई हैं। वहां आए दिन कई साजिशें होती रहती हैं। आलीजा, मेरे ख्याल से शुमाल की वादी मुनासिब है, जहां कुदरत की सारी नियामतें आम हैं। शहजादे की परवरिश वहां मुनासिब रहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं वजीर आजम? हम मलिका के बगैर कैसे रह पाएंगे? आलीजा, आपको इस इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। मोहब्बत में दारो रसन की आजमाइश होती है, फिर ये तो मुख्तसर सी जुदाई है। 18 साल की मुद्दत मुख्तसर नहीं होती वजीर आजम। जहां पना, हमने एक ऐसे किले का इंतखाब किया है जो किला हमारे इस महल से किसी भी तरह कम नहीं। हां, ये तजवीज ठीक है। तो फिर आलीजा, मलिका आलिया आज ही शहजादे के हमरा वादिये सदाबहार के लिए रवाना होंगी। इंशाल्लाह, लेकिन इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हम इस कारवां को दूर से ही गुजरता हुआ देखेंगे। चंद के बादशाह ने टाला, उस माँ को शहर से निकाला। पांचों शहजादे उम्र के हिसाब से बढ़ते गए, और ताजुल मुलूक के बारे में शहंशाह आलम बहुत फिक्रमंद होने लगे। लेकिन सितारा बीन की वो पेशनगोई उसके मन में घर कर गई थी। बस वो अपने बेटे को देखने के लिए तड़पता था, तरसता था, लेकिन अपने दिल पर काबू रखने के लिए मजबूर था। हाँ, गर गर यही जिक्र था, यही शोर खारिज हुआ नूरे दीदे गोर। अरे ये क्या बेहुदा शोर है, और ये कौन गुस्ताख है? मौसिकी खतरनाक बीमारी है। अरे वो तो है ही। काश सा जिंदे हमारे सामने आकर बजाते तो हम भी उसका लुत्फ उठा पाते। मेरे ना समझ भाइयों, आपको याद नहीं, आज हमारे महल में हमारा पांचवा भाई वार्ड हो रहा है, ताजुल मुलूक। अरे क्या है मकाना बातें कर रहे हो, अभी वो दूध पिता बच्चा है, और अभी 18 साल कहां गुजरे हैं। अरे अरे हम कैसे भूल गए,
कि बाकी बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। काश हमारा बचपन कायम रहता, कितने मजे के दिन थे। हाँ, हम भी तो कितनी जल्दी बड़े हो गए। इतने बड़े हो गए हो तुम लोग, लेकिन अभी भी बच्चों की तरह हंसते हो। तो बच्चों, इसे कहते हैं मनशहे इलाही, जो अल्लाह को मंजूर था बस वही हुआ। 18 साल की उम्र का खूबरू जवान, जिसका नूरानी चेहरा था, कद शमशीर था, लेकिन ज़ैनुल मुलूक उसकी एक झलक पाकर अपनी बीनाई से महरूम हुआ। पीछे हटिए। शहजादे, आप आगे मत बढ़िए, जहां पनाह आ रहे होंगे। हे गुस्ताख, हमें मत रोक, हमें क्यों डरा रहा है? ऐ नूरे चश्मे जहां पनाह, आगे मत बढ़िए, खुदा के लिए आप आराम गाह में चले जाएं। हम अपने महल को देख रहे हैं, आखिर इतने सालों के बाद हम अपने महल में लौटे हैं। एक दिन, बस एक दिन बाकी है। आप 18 साल के हो जाएंगे तो फिर जी भर के देख लीजिए जहां पनाह को। हम नहीं मानते इन फर्जुदा बातों को, आप पीछे हटिए। अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो खुदा कसम, नहीं, हम आपकी जान ले लेंगे। नहीं, बेशक आप मेरी जान लीजिए, लेकिन खुदा के लिए आप अपनी आराम गाह में चले जाइए। आखिर कब तक हम अपने वालिद मोहतरम की नजरों से दूर रहेंगे? बस बस एक दिन की बात है, सितारा बीन ने सख्ती से ताकीद की है, वरना हम नहीं मानते ये बहुतान। क्यों रहे हम उनसे दूर, क्यों? अगर हम उनके नूरे चश्मा हैं। क्योंकि अगर 18 साल से पहले उन्होंने आपको देख लिया तो कयामत होगी। खुदा ना करे जहां पनाह की आंखों की बीनाही चली जाएगी। शहजादे, हम नहीं मानते ये फरसुदा बातें, हमें बस अपने वालिद मोहतरम के रूबरू होना है। क्या तमाशा है ये, क्यों परेशान कर रखा है? खैर तो है, बादशाह सलामत। मेरे वालिद मोहतरम, मैं आपका नूरे चश्म, आपका खादिम ताजुल मुलूक हूं। आंखों का नूर खैरा क्यों हो रहा है? कोई है? हम अपनी आंखों की नींद से महरूम हो गए हैं। ऐ सितारा बीन, हमें बचाए। सितारा बीन, हमें बचाए। हम अपनी आंखों के नींद से महरूम हो गए हैं। नहीं, अब्बा जान, अब्बा जान। आपसे एक जरूरी मशवरा करना था, इसीलिए आपको यहां आने की जहमत दी है। ये हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हमें सलाह मशवरे के लायक समझते हैं, वरना हमारा काम तो मुल्क की सलामती के लिए हमेशा चाको चौबंद रहना और मरने और मारने के बारे में सोचना है। आप चाको चौबंद हैं तो हम अपने घरों में महफूज हैं, वरना जब से जहां पनाह की आंखों की बिनाई जाती रही है, हमारे दुश्मन तो हमें अपने घरों में भी महफूज नहीं रहने देते। जहां पनाह ज़ैनुल मलूक
अपनी जाती परेशानियों में मुबतला है। पांचवें शहजादे की वजह से उनकी आंखों की बिनाई गई है। अल्लाह ही जाने अब इस सल्तनत का क्या होगा। हमने कई बार जहां पना से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, पर उन्हें कभी फुर्सत ही नहीं। वो सब कुछ शहजादों के हवाले करके, हुक्मरानी तर्क करके खलवत नशीन होना चाहते हैं। इस बात का इल्म हमारे दुश्मनों को है, वो इस बात का फायदा उठाकर मुल्क में अफरा तफरी फैला सकते हैं। खासकर गफूर सहराई जैसे शातिर कबायली सरदार की नीयत ठीक नहीं है। उसने शुमाल मगरिब में अपनी ताकत मजबूत की है। हमने गफूर सहराई के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसने लूट और दहशत से काफी मालो दौलत कमाई है। हमारे मुल्क के कुछ असला साज शहर छोड़ के उसकी फरमा बरदारी में लगे हैं। शहर में लोहारों की कमी की यही वजह है। हम चाहते हैं कि आप कुछ फौजी दस्ते लेकर हमारे हमरा शुमाल मगरिब की किसी सैरगाह में कयाम करने जाएं। वहां हम गफूर सहराई को मदू करेंगे और उससे सुलह सफाई करने की कोशिश करेंगे, और हम चाहते हैं कि ये काम जल्द अज जल्द। हम आपकी बात से इत्तफाक करते हैं। जंगो जनरल से बेहतर है कि हम बेगुनाह आवाम का खून बहाने के बजाय दुश्मन को भी अमन के रास्ते पर लाएं। इस बात का बंदोबस्त मैं कल ही करता हूं। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान। मलिका, हम आपके गुनहगार हैं। हमने आपकी कितनी जुदाई बर्दाश्त की और आपने भी कितने अजाब सहे। हमारी कोताबीनी वही हुआ जिसका हमें डर था। मेरे सरताज, हम आपसे 18 साल महल से दूर रहे, लेकिन आपने वहां पर भी हमारे लिए ऐशो आराम के तमाम इंतजाम करवाए थे, लेकिन आपके गुर्बत से महरूमी हमसे बर्दाश्त नहीं होती थी। कभी कभी हम मिले भी थे, मगर फिर जुदा होने के लिए अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। हम शब्बो रोज आपके खिदमत में हाजिर रहेंगे। या अल्लाह, हम पे ये सितम क्यों? अब अयामे पीरी में हमारा महबूब हमारे पास है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। मेरे अल्लाह, हमें इस अजाब से नजात दिला। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। मेरे सरताज, आप इत्मीनान रखें, अल्लाह ने हमें किसी नेक मकसद के लिए इस आजमाइश में डाला है। ताजुल मुल्क बहुत नेक सीरत पे जंग है। वो आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करेगा। इससे पहले कि पानी सर के ऊपर हो जाए, हटा देते हैं उसको रास्ते से। हम भी तो कब से यही कह रहे हैं, कोई हमारी सुने तब ना। भाई ठीक कह रहे हैं, अब हमें कुछ करना होगा। आप सही कह रहे हैं शहजादे। इससे पहले कि अब हजूर कोई फैसला लें, इस काम को जल्द से जल्द अंजाम देना होगा। तो ठीक है, आज की रात ताजुल मुल्क की आखिरी रात ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। होता है वही खुदा।
है जिस तरह बना है। हमें अपने चार शहजादों की नियत पर शक हो रहा है। लगता है हमारा सबसे प्यारा शहजादा उन्हीं की वजह से महल छोड़कर चला गया है। बिनाई हमसे दूर नहीं हुई, बिनाई हमारे शहजादों की आंखों से रुखसत हो गई है। कितने लाचार हैं हम। आप ये परेशानी अपने दिल से निकालिए। अल्लाह ने चाहा तो हमारे यही शहजादे आपकी बिनाई वापस लौटाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आपने आज तक सबकी खैर चाही है। अल्लाह मेहरबान, हमारे शहजादे जल्द अपने भाई को वापस बुलाएंगे। हमसे जरूर कोई गुनाह सरजद हुआ है जो हम भूल बैठे हैं। हमारी सल्तनत के घर घर में हमारी नाइंसाफी की बातें हो रही हैं। वो सोचते हैं कि हमने शहजादे को मुल्क बदर किया है। अब दवा के साथ दुआ की भी जरूरत है। जहां पना, ताजुल मलूक के साथ नाइंसाफी हो रही है। पेशन गोई यह है कि आपकी बिनाई सिर्फ और सिर्फ ताजुल मलूक के हाथों में है। नजूमी ने तमाम आसमानी और जमीनी इशारों से समझ लिया है कि ताजुल मलूक ही अल्लाह ताला के करम से आपकी बिनाई का इलाज ला सकते हैं। हमारे वफादार वजीर आजम, हमारे फर्जंदान अब जवान हो गए हैं। ऐसा महसूस होता है कि वो सल्तनत में खाना जंगी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो इक्तदार के लिए बेताब हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी बिनाई वापस आए। तकदीर से चल सकना कुछ जो बिना न हुआ वो दीदे को होता। तार है जिस तरह बना है। मल्लिका मौजमा, मेरी फहम और मेरी हिकमत जवाब दे रही है। मेरी जुबान में वो ताकत नहीं कि मैं अर्ज करने की जसारत कर सकूं कि मुझ अतना हकीम से कुछ भी नहीं बन पा रहा है। मेरी सब की सब दवाइयां नाकाम हो गई हैं। हकीम लुकमान से लेकर आज तक इस मर्ज़े ला इलाज के लिए जो भी हिकमत तजवीज की गई थी वो आली जाह की बिनाई वापस लौटाने में कामयाब नहीं हुई। आपको कोई और तदबीर करनी होगी। मुझ अदना हकीम को माफ करें। अगर और कोई तदबीर है तो हमें बताइए, हम अपनी सरताज के लिए अपनी पूरी सल्तनत तो क्या अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। बताइए बताइए, ऐसी कौन सी तदबीर है जो हमारी तकदीर से लड़ सकती है। हमारी सल्तनत में कई राज हाय पिनहा है,
जिनका हमें फायदा उठाना चाहिए। ऐसा ही एक राज है कि हमारी सल्तनत लाहत में एक ऐसा शख्स है जो हजारों साल से चुप है। उनकी उम्र का किसी को अंदाजा नहीं। वो इतने ही कदीम है जितने हमारे आसारे कदीमा हैं। मेरी तारीख कोहना में दर्ज है कि इस बुजुर्ग ने हजरत ईसा को भी देखा है। ये बुजुर्ग कुछ ऐसे राज हाय पिन्हा से बाखबर है जिन तक हमारी अक्ल की रसाई भी नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि साला साल सल्तनत की निगरानी करने के बावजूद भी ये बुजुर्ग हमारी निगाह से दूर रहा? बताओ कहां मकीन है ये दुनिया राज? जहां पना वो शहर से बाहर कोहे बेशजर में एक नदी के किनारे एक गार में मकीन है। वो सिर्फ सुबह और शाम के वक्त बाहर निकलते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो अपनी खामोशी तोड़कर आपकी बीनाई वापस लाने के इलाज की निशानदेही कर सकते हैं। हम जरूर इस अजीम बुजुर्ग के सामने दामन फैलाएंगे। हमारी बिनाई ही हमारी सल्तनत के आवाम की ताकत है। हम इसके लिए कुछ भी करेंगे। वजीर आजम, उन बुजुर्ग को बाइज्जत व एहतराम दरबार में आने की दावत दी जाए। मगर याद रहे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्हें पालकी में बिठा कर लाया जाए। आपके हुक्म की तामील होगी। कहाल पीर दरी ईसा की थी उसने आंखें देखी। यार मेरे खामे हजार दास्तां दे। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो। टू मच